जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल. माई सेल्फ प्रगति पांडे. डियर स्टूडेंट्स, आवर स्कूल हैज स्टार्टेड द लाइव क्लास एंड द ऑनलाइन क्लास फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. सो फ्रॉम टुडे वी विल स्टडी विद दिस रिकॉर्डेड वीडियो एंड विद द डाउट क्लासेस. सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू आर एट होम, स्टे सेफ, स्टडी सेफ. एंड वन मोर थिंग, you should apply all the measures which are useful for this corona prevention. Okay, so we are going to start a new chapter and the name of the chapter is rock and minerals. So students, this is your chapter rock, soil, and we will discuss the minerals. So first thing is that what is rock? The hard substance which you are seeing around you. जो हार्ड सब्सटेंस आप अपने आसपास देखते हैं, जिसको ईजिली नहीं ब्रेक किया जा सकता, वो सब्सटेंस कुछ और नहीं, रॉक्स हैं. ठीक. इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड दैट द सर्फेस ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ रॉक्स एंड सॉयल. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस अबाउट रॉक एंड सॉयल, बट वी विल डिस्कस इट हियर ऑल्सो. सो रॉक आर हार्ड सब्सटेंसेस, दे आर मेड ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं? जब धरती की खुदाई की जाती है, जब पृथ्वी को खोदा जाता है, धरती के अंदर से मिनरल्स को निकाला जाता है, वो मिनरल क्या होते हैं? जो आप देखते हैं डेली यूज़ के बर्तन हैं, आपके घरों में वायर्स आपको दिखते हैं, आपके घरों में लकड़ी के दरवाजे होंगे, उसमें जो चीज़ें लगाई गई हैं, एलॉन्ग विद दैट आप अपने क्लास में अपनी सीट को जब देखते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं उसमें आयरन लगा होता है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? दे आर मिनरल्स. ये कहाँ से मिलते हैं हमें? ये हमें धरती से मिलते हैं. लेकिन जो आप आयरन अपने सीट में देखते हो, जो आप घर पे अपने बर्तनों को देख रहे हो, ये एज इट इज़ हमें धरती से नहीं मिलते हैं. ये रॉक्स के फॉर्म में हमें धरती से मिलते हैं, जिसको प्यूरीफाई किया जाता है, जिससे इन बर्तनों को बनाया जाता है. सो द रॉक्स आर हार्ड, दे आर मेड ऑफ मिनरल्स, दे डिफर इन साइज, शेप, कलर, कॉम्पोजिशन एंड यूज. ये जो रॉक है, जो पत्थर है, ये हार्ड होता है, ये मिनरल्स का बना होता है. अगर हम बात करें तो इनकी साइज अलग अलग होती है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं. अगर हम बात करें तो इनका शेप अलग होता है, कुछ छोटा होगा, गोल जैसा होगा, कुछ बड़े होंगे, उसका कोई रेगुलर शेप नहीं होगा. इनका कलर भी अलग होता है. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे पत्थरों को, कि इनके कलर भी डिफरेंट होते हैं. इनका कॉम्पोजिशन मतलब वो पत्थर किस किस चीज़ को मिला करके बना है, क्या उसमें आयरन ज़्यादा है, या उसमें स्टील ज़्यादा है, उसमें टिन ज़्यादा है, या उसमें सोना ज़्यादा है, चांदी ज़्यादा है, गोल्ड ज़्यादा है, मतलब क्या चीज़ें ज़्यादा हैं उसमें, इस पे डिपेंड करता है. इसी को हम कॉम्पोजिशन कहते हैं, मतलब किस चीज़ से वो पत्थर बना हुआ है. और एंड यूज़ मतलब उसकी क्या ज़रूरत है. मान लीजिए कोई पत्थर है जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे? उसमें से आयरन को निकाल करके आप सीट बनाएंगे. मान लीजिए कोई पत्थर है उसमें गोल्ड की मात्रा ज़्यादा है, तो उसमें से गोल्ड आप निकाल करके आप ऑर्नामेंट्स बनाएंगे. तो कहने का मतलब है कि जो रॉक्स होते हैं उनकी साइज़ अलग होती है, उनका शेप अलग होता है, उनका कलर अलग होता है, कॉम्पोजिशन अलग होता है, एंड उनका यूज़ भी अलग होता है. सम ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ रॉक्स आर ग्रेनाइट, मार्बल, ग्रेफाइट, सैंडस्टोन एंड प्यूमाइस. कुछ रॉक्स हैं जिनका नाम लिखा हुआ है, जैसे ग्रेनाइट आपके घरों में लगता है, ग्रेफाइट जो आप पेंसिल जो देखते हैं, आपकी पेंसिल में जो ब्लैक कलर से आप लिखते हैं, दैट इज़ ग्रेफाइट. सैंडस्टोन मतलब चूना पत्थर, इसको हम कहते हैं बलुआ पत्थर कहते हैं. और प्यूमाइस, तो ये सारे कुछ टाइप्स हैं रॉक्स के. अगर आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में आपको ईजिली अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि ग्रेनाइट है, मार्बल है, सैंडस्टोन है. अगर हम बात करें तो जो सेकंड टॉपिक है हमारा, दैट इज सॉयल. सॉयल इज़ अ टॉप मोस्ट सॉफ्ट लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, क्ले, पेबल्स, ह्यूमस, वाटर एंड एयर. कह रहा है कि जो मिट्टी है वो सॉयल, मतलब होता है मिट्टी. सॉयल क्या है?
धरती की सबसे ऊपरी सतह की लेयर है, सबसे ऊपरी जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जहाँ पे अनाज उगाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है धरती पर रहने वाले सभी जीवों के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ वी डिस्कस, इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, इट जो सॉयल है इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं, इसमें सैंड होता है, क्ले, क्ले मतलब फाइन पार्टिकल, सॉयल का जो फाइन पार्टिकल है दैट इज़ क्ले, पेबल्स मतलब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, ह्यूमस मतलब नमी, आर्द्रता कह सकते हैं हम, अगर हम बात करें वाटर, और एयर का कंटेंट होता है हमारे सॉयल में। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, हाउ द सॉयल इज फॉर्म्ड, सॉयल फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस, अगर हम बात करें तो सॉयल जो है वो धीरे धीरे बनता है, ऐसा नहीं होता कि कल था आज मिट्टी बन गई, कल पत्थर था आज मिट्टी बन गई, ऐसा नहीं होता। सॉयल का फॉर्मेशन एक बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू मेक सॉयल ऑफ जस्ट वन इंच, अगर हम बात करें एक इंच का सॉयल हजारों सालों में मिला करके बनता है। सो रॉक्स प्रोवाइड बेसिक मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, अगर हम बात करें तो मिट्टी कैसे बनती है, इसका अगर आप खोजेंगे इसका आंसर, तो सीधा सीधा हमें आंसर मिलेगा कि जो मिट्टी होती है वो पत्थर के से ही बनती है, जो पत्थर है इसी की वेदरिंग होती है, इसी का नुकसान होता है, इसी का क्षरण होता है, और ये बाद में मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करें सॉयल कैसे फॉर्म होता है, तो सॉयल इज़ फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, अगर हम बात करें तो रॉक प्रोवाइड बेसिक मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, विंड वाटर एंड टेम्परेचर एक्ट्स कंटिन्यूसली ऑन द रॉक, अगर रॉक जो है उसी से मिट्टी बन रही है, लेकिन जो रॉक है उस पर हवा का असर होगा, वाटर का असर होगा, और टेम्परेचर यानी तापमान का असर होगा, तभी जा करके कोई पत्थर है वो मिट्टी में कन्वर्ट होगा। दिस इज़ द रिजल्ट इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस, जब हवा पानी और तापमान का फर्क पड़ेगा हमेशा रॉक के ऊपर, तो रॉक क्या होगा, उसका ब्रेकिंग होगा, उसका नुकसान होगा, वो टूटेगा छोटे छोटे टुकड़ों में। दीज स्मॉलर पीसेज आर कैरिड अवे बाई विंड एंड वाटर, और जो छोटे छोटे पीस होंगे, जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होंगे जो पत्थर के, वो हवा के साथ उड़ जाते हैं या वाटर के साथ, जब बाढ़ वगैरह आती है पानी भर जाता है एरिया में, तो वो अपने साथ मिट्टी को बहा करके ले जाता है। तो होता क्या है, रॉक था जिसपे वाटर विंड और टेम्परेचर का असर पड़ा, जिससे वो अपने फाइन पार्टिकल्स में टूटना शुरू हो गया, छोटे छोटे पीसेज में टूटना शुरू हो गया, जिसको विंड और वाटर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा करके छोड़ दे रहे हैं, ले करके जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसका फैलाव हो रहा है। वेन दे रब अगेंस्ट ईच अदर दे फर्दर ब्रेक डाउन इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक पेबल्स ग्रेवल एंड सैंड, कह रहा है कि जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े थे, जब वो आपस में रब होते हैं, आपस में रगड़े जाते हैं या आपस में टकराते हैं, तो उनके और छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और स्मॉल पार्टिकल्स हो जाते हैं, जैसे छोटे छोटे कंकड़ हो गए, पत्थर हो गए, बालू जैसा हो गया, इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। दीज पार्टिकल गेट मिक्सड विथ ह्यूमस एंड फॉर्म सॉयल, पहले एक बड़ा पत्थर था, पत्थर पे वाटर विंड और टेम्परेचर का जब फर्क पड़ा तो स्मॉल स्मॉल पार्ट में वो पत्थर टूट गया, बाद में हवा से पानी से वो इधर से उधर चीज़ें मतलब पत्थर जो हैं वो इधर से उधर गए हवा पानी के सहारे, और जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो वो उनका आपस में भी वो टकरा रहे थे एक दूसरे से, जब उनका और ब्रेकिंग उनकी होने लगी, वो और छोटे छोटे हो गए, लेकिन अभी भी टेम्परेचर विंड और वाटर उन पर वर्क कर रहा है, यानी वो धीरे धीरे उनका नुकसान हो रहा है, वो और फाइन होते चले जा रहे हैं। एक समय ऐसा आता है कि एक बड़ा पत्थर एकदम से टूट करके, एकदम से गल करके मिट्टी जैसा बन जाता है, जो बाद में वाटर और आसपास की नमी के वजह से, या जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे जो पत्तियाँ झड़ती हैं, पत्तियों के झड़ने से जब पत्तियाँ झड़ जाती हैं और सड़ जाती हैं, जैसे कोई पौधा है उसके कई सारी पत्तियाँ झड़ गई, तो जब ज़मीन पर गिरती हैं तो वो सड़ने लगती हैं पत्तियाँ कुछ दिन में, दो चार दस दिन में, तो जब वो चीज़ जो सड़ी हुई पत्तियाँ हैं दैट इज़ ह्यूमस, ह्यूमस क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट कह सकते हो आप, तो वो ह्यूमस और
पानी और जो सॉयल का फॉर्मेशन हुआ है रॉक से, वो तीनों मिल करके एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी को जन्म देते हैं। ठीक, अगर हम बात करें तो ये था फॉर्मेशन ऑफ सॉयल के बारे में। अगला टॉपिक है टाइप ऑफ सॉयल, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। इन टुमारोज़ लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ सॉयल। फॉर नाउ द असाइनमेंट वर्क फॉर यू इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप जो आपकी फेयर कॉपी है उसमें 4 लाइन 5 लाइन आप डेली बेसिस पर जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसको आप लिखते जाएंगे। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू एवरीवन।